हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 41। इस पे कुछ बच्चा क्वेश्चन भी पूछा था जो कि आज क्लियर भी हो जाएगा। चैट कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चन पूछा है बच्चा सर, उसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा। दो दो क्वेश्चन था इस पे, तो हम बताए नहीं बिकॉज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको, तो वो बताएंगे, ठीक है। और जैसी चैप्टर खत्म होता है एक असाइनमेंट डालते हैं, उसको आपको करना है, ठीक है। टेस्ट कंडक्ट करेंगे, टेस्ट में अपीयर होना है, ठीक है। जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़ा है वो जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि उसको असाइनमेंट का फायदा मिल जाए। शायद उसको पता नहीं होगा एप्लीकेशन के बारे में, जल्दी जुड़ जाइए एप्लीकेशन से। कुछ नहीं करना है, सर्च करना है गूगल प्ले पे एनके फिजिक्स, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा एनके फिजिक्स, इसको डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए है तो आपको करना पड़ेगा एनकेपीई, कोड डालना है, पूछेगा इंटर बैच कोड NKPE12। तो जो बच्चा का एडमिशन हो गया है उसको एक्सेप्ट कर देंगे, जो बच्चा एडमिशन ले लिया है उसको एक्सेप्ट कर देंगे, और जो बच्चा नहीं लिया है जल्दी जल्दी ले लेगा, है ना। क्योंकि एडमिशन आज लेना है या कल लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज लीजिए या कल लीजिए, कोचिंग खुलने के बाद लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इससे बेटर अभी ले लीजिए, कारण एप्लीकेशन में ऐड भी हो जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 41। क्लास 41, इसमें दो क्वेश्चन खुद आंसर मिल जाएगा आपको, जो बच्चा पूछा है उसको आंसर खुद मिलेगा आज, हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लास 41 और इंग्लिश मीडियम, चैट कम्युनिटी में कुछ बच्चा क्वेश्चन पूछा इस पे, तो उसका आंसर अभी आज मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा, आज के टॉपिक को समझने के लिए क्लास नंबर 40 में जो हम फॉर्मूला दिए, क्लास नंबर 40 में 40 में एक फॉर्मूला दिए। इफ यू नो द फॉर्मूला मींस टॉपिक विल बी इजी, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला तो आपको लगा ये सब क्या हो रहा है ना। तो जो बच्चा अभी तक 40 क्लास 40 नहीं देखा है, वीडियो सेक्शन में जाके 40 देख ले, देन आफ्टर 41 पे आए, है ना। तो चलिए, और कुछ बच्चा बोला कि वीडियो क्वालिटी देखिए बाबू, वीडियो क्वालिटी दो ही कारण है जिसके कारण आपका वीडियो क्वालिटी खराब आ रहा है। कारण पहला, नेट स्लो होगा, या दूसरा आप जल्दी जल्दी वीडियो को भगा रहे होंगे। जब वीडियो को भगाते हैं तो वो अपना खुद का एडजस्टिंग करने में टाइम लगा देता है, तो भगाइए नहीं, देख रही है पूरा देखिए, है ना, भगाने से आपका क्वालिटी डाउन होगा। चलिए, और जब भी वीडियो देखिएगा तो मोबाइल ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो ऐसे मत देखिए, इसको कहा जाता है पोर्ट्रेट मोड, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में आप स्क्रीन इतना ही देख पाइएगा, ऐसे, है ना, इस पे देख पाइएगा। पोर्ट्रेट मोड मत कीजिएगा, आपको देखना है किसमें, एप्लीकेशन में देखिएगा, लैंडस्केप में। लैंडस्केप इतना समझ में आता होगा, लैंडस्केप में देखिएगा, लैंडस्केप, ठीक है ना, इसमें देखिएगा तो आपका वीडियो इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा है ना, तो इसमें देखिएगा। अब इसको देखने के लिए कैसे करना है आपको मालूम ही है, मोबाइल में एक ऊपर में जब इसको स्लाइड करवाइएगा तो एक रोटेशन आता है, रोटेशन, तो रोटेशन अगर पोर्ट्रेट में है तो उस पर टिप दीजिए, वो अपने से मोबाइल ऐसे घूम जाएगा, ऐसे देखते हैं तो अपने से ऐसे घूम जाता है, तो वो कर लीजिएगा, उससे आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो आज का हम टॉपिक लिखेंगे कौन सा, तो सुन लीजिएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल
एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल कहां पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं जी, समझाते हैं इस टॉपिक को, टेंशन नहीं लीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत गहराई में जा रहे हैं हम, एकदम पूरा बहुत गहराई में, पूरा डीप ले जाते हैं, नॉट टू वरी, चिंता करने का बातें नहीं है। बहुत बच्चा बोला सर क्या है, बताते हैं काहे हड़बड़ी है, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लास नंबर 48 में हम बताए थे अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले ये जरूरी है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अदरवाइज मजा नहीं है। सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियर देन यू मस्ट वॉच क्लास नंबर 40, अदरवाइज थिंग्स विल बी डिफरेंट, लगेगा अननोन टाइप है ना। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखिएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए हैं कितना एंगल पे, थीटा वन पे, ठीक है, क्लास नंबर 40 है। मींस इफ यू केप्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा वन, ठीक है, अब इसको घुमा के ऐसे ले जाइए, जब इसको घुमा के ऐसे ले जाइएगा तो ये अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोजीशन होगा, अब माइनस क्यू यहां पे आ जाएगा और ये घूम के यहां पे आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। अब ऐसे था आई घूमना कहां चाहता, इधर घूमना चाहता है, मालूम है ना क्यों, क्योंकि इधर एक फोर्स लगेगा क्यू ही, इधर एक फोर्स लगेगा क्यू, तो ये घूमना चाहता है इधर, लेकिन आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, आप जबरदस्ती ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब आप ऐसे घुमाए कितना एंगल पे घुमा दिए, थीटा टू एंगल पे घुमा दिए, थीटा टू एंगल पे घुमा दिए, आप थीटा वन से कितना एंगल पे घुमा दिए, थीटा टू एंगल पे घुमा दिए, तो आप मेहनत किए, काम किए, वर्क किए, आप वर्क किए हैं, वर्क इज डन बाय यू, काहे के लिए वर्क किए हैं, सर ऐसे घुमाए न थे तो काम नहीं करेंगे, अरे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉडी में तो काम किए है ना, जैसे कोई पत्थर है उसको खिसका दिए तो वर्क हो गया, वर्क किए हैं आप, डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट मींस देयर विल बी वर्क डन बाय यू, है ना, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां, तो फिर आप वर्क कीजिएगा, और कल हम बता दिए हैं वर्क का फॉर्मूला, कितना वर्क कीजिएगा जब यहां थीटा वन से थीटा टू घुमाइएगा, तो W बराबर PE cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, ये है वर्क डन, ये है वर्क डन, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा वन से घुमा के थीटा टू पे ले गए, दिस विल बी योर वर्क डन, मींस इफ यू वांट टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा वन से कहां तक थीटा टू, देन योर वर्क डन
विल बी पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इसको हम प्रूव कर दिए थे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत जरूरी है, अगर ये आपको मालूम है देन ओनली ये समझ पाइएगा, ठीक है। तो समझिएगा, अब समझिएगा, तो ये कल का बात था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसको कहते हैं? सबसे बड़ा बात क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या हो रहा है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बस पेशेंस रखिए, बड़ी मजा आ जाएगा, आज समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, मान लेते हैं कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप ऐसे रखिए, कैसे ऐसे रखिए, ठीक है, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आप बताइए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखे हैं, तो आप खुद बताइए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डिग्री बनाया, कितना डिग्री बनाया सर, 90 डिग्री पे है, इससे 90 डिग्री पे रखा गया, हम बोले ठीक। अब इसको असली में घूमना कहां चाहता है, क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि इसको इधर से फोर्स ऐसे मारा जाएगा, इधर से फोर्स ऐसे मारा जाएगा, तो ये घूमना चाहता है ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना चाह रहा है, रोटेट करना चाह रहा है, मतलब घूमना कैसे चाह रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये घूमना चाह रहा है ऐसे, वाई, बिकॉज ऑफ कपलिंग फोर्स, QE इधर मारेगा इसको और QE इधर मारेगा इसको, ये तो बताए थे, QE इधर फोर्स लगाया, एगो मतलब एगो ऐसे मारा, एगो ऐसे मारा, तो घूम जाएगा ऐसे, तो ये घूमना चाहता है, इसका मन किधर है घूमने का, इसका मन है ऐसे घूमने का, इसका मन जो है मन कर रहा है कि ना हम ऐसे घूमे क्लॉकवाइज, लेकिन लड़का सब क्या किया, इसको घुमा रहा है उल्टा, इसको घुमा रहा है उल्टा, उल्टा जब घुमाया तो कहां से, देखिए स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से होना चाहिए, जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो कितना डिग्री पे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले कितना पे था, थीटा वन पे था, अब स्टार्टिंग पोजीशन कितना है, 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से घुमा दीजिए कहां पे, तो ऐसे 90 डिग्री से ऐसे घुमा दिए, कितना एंगल पे, तो कोई थीटा एंगल पे 90 डिग्री से घुमा दीजिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री से घुमाना है, 90 डिग्री से घुमाना है। आप बोलिए प्लस क्यू कहां जाएगा, यहां पे, और माइनस क्यू कहां जाएगा, यहां पे, तो बताइए आप क्या किए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इनिशियल पोजिशन जो है, इनिशियल शुरुआत का पोजीशन जो ऐसे रखा हुआ है, एकदम ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे मतलब स्टार्टिंग पोजीशन आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से घुमा दिए कितना डिग्री पे, 90 डिग्री से घुमा दिए थीटा डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल से इसको घुमा के कितना पे ला दिए, थीटा, थीटा मतलब 110 पे लेके आ गए, 90 से स्टार्ट किए घुमाना, अल्लाह घुमा दिए 110 पे, कहिए चाहे 120 पे, चाहे 220 पे, 360 पे, 290 पे, 385 पे, मतलब कितना भी घुमा दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग 90 से होना चाहिए, पहले बता दे रहे, स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम एट एन एंगल 90 डिग्री, स्टार्टिंग पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, एकदम कंफर्म, हिलना नहीं चाहिए सर, 91 मारेंगे दूझा पर,
90 मतलब 90, 90 मीन्स 90, इनिशियल पोजिशन शुड बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से घुमा दिए यहां पे, तो 90 डिग्री से घुमाने में कितना पे घुमाए, कोई थीटा कोण पे घुमाए होंगे, चाहे 110, चाहे 120, 130, 150, 185, 200, 210, 220, 225, वॉट एवर द एंगल, बट इनिशियल पोजिशन शुड बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से घुमा दिए किसी एंगल पे, 90 डिग्री से घुमा दिए किसी पोजिशन पे, किसी एंगल पे, 90 डिग्री से घुमा दिए किसी पोजीशन पे, तो काम किए कि नहीं किए, अरे किए सर, डिस्प्लेसमेंट कर दिए हैं, हिलना गया है, हिलना माने काम कर दिए हैं, हिलना माने काम किए हैं, लेकिन आपका काम जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है पूरा गुस्सा है आपसे, काहे गुस्सा है, काहे की बोल रहा है ना हम इधर घूमना चाहते हैं, आप जबरदस्ती उल्टा काम कर रहे हैं, आप तो घुमा रहे हैं उल्टा, लेकिन ये कहां जाना चाहता है, इधर, लेकिन आप काम कर रहे हैं उल्टा। तो 90 डिग्री से किसी थीटा कोण पर, 90 डिग्री से किसी थीटा कोण पर घुमाने में जो काम किए हैं उसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छा, अच्छा 90 डिग्री से किसी थीटा कोण तक घुमाने में जो काम किए हैं उसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। 90 डिग्री से किसी थीटा कोण तक घुमाने में किए गए काम को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। The amount of work done in rotating electric dipole from theta बराबर 90 degree to any position मतलब कोई एंगल हो सकता है, या तो 120, 130, 140, ठीक है ना। तो अगर 90 डिग्री से आप किसी एंगल पे घुमाएं तो उसी काम को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, चलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे, हेडिंग लगा दिए होंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेडिंग लगा दिए हैं सब कोई, तो देखिए ध्यान से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना काम किए हैं, कितना अमाउंट काम किए हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, काहे का वर्क डन, काहे के लिए वर्क डन, कैसा काम किए हैं, इन रोटेटिंग एन, कैसा काम किए हैं, तो रोटेटिंग किए हैं एन, किसको रोटेटिंग किए हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को किए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां से कहां किए हैं, 90 डिग्री से स्टार्ट किए हैं आप किसी थीटा कोण तक, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री, फ्रॉम 90 डिग्री, 90 डिग्री से टू एनी पोजीशन मतलब कोई भी थीटा पे, चाहे 120, 130, चाहे 140, चाहे 225, फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी पोजिशन
एनी पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं जी। चलिए देखिएगा, अब फोटो बनाते हैं इसको समझाने के लिए। ये है आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर्मूला दे रहे हैं, अब हम जाके ये डेफिनेशन लिख दिए, अब फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां से घुमाना है, 90 डिग्री से, तो ये शुरुआत में ऐसे है, ठीक है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। देख लीजिए 90 डिग्री से कहां घुमा दीजिए, अरे कोई एंगल पे घुमा देंगे सर, किसी थीटा एंगल पे, है ना, किसी थीटा एंगल पे घुमा देंगे, किसी थीटा एंगल पे घुमा देना है, मतलब अब कहां गया, ये घुमा है इधर, तो ये माइनस की हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस की। 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल तक घुमा दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग बताइए यहां पे क्या था, स्टार्टिंग पोजीशन एंगल कितना था, स्टार्टिंग कितना था, थीटा वन, और कहां तक घुमा के ले गए थे, थीटा टू तक। तो यहां पे थीटा वन बराबर बता सकता है कोई कितना होगा, इनिशियल इसका क्या है, इसका इनिशियल थीटा वन था, तो यहां पे थीटा वन कितना के बराबर हो जाएगा, यहां पे थीटा वन कितना के बराबर हो जाएगा, अरे थीटा वन स्टार्टिंग कहां से किए हैं, हेयर लिख देते हैं, हेयर थीटा वन जो हो जाएगा वो स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगा, स्टार्टिंग क्या है थीटा वन, तो थीटा वन स्टार्टिंग यहां पे क्या है, अब कहां से घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री से सर, आप घुमाना कहां से स्टार्ट किए, 90 डिग्री सर, 90 डिग्री, ठीक है। और बताइए कहां तक यहां पे एंड किए थे, थीटा टू तक ले गए थे, तो यहां पे बताइए तो थीटा टू क्या हो जाएगा, आप कहां से कहां तक ले गए, थीटा तक ले गए, तो आपका इंड एंगल कितना होगा, इंड पोजिशन कितना हो जाएगा, एंडिंग एंगल कितना हो जाएगा, कहां पर रोक दे रहा है, थीटा पे रोक रहे हैं, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, थीटा वन के जगह 90 हो जाएगा और थीटा टू के जगह थीटा हो जाएगा, तो 90 डिग्री से थीटा एंगल तक ले जाने में जो काम किया गया है, तो अब काम कैसे निकाले, कितना काम किए हैं, 90 डिग्री से थीटा एंगल पे, 90 डिग्री से थीटा एंगल पे ले जाने में जो काम हुआ, उसी काम को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तो काम निकालना पड़ेगा, कितना काम किए हैं, तो कुछ नहीं, काम निकालने के लिए तो यही ना फॉर्मूला है, वो है काम निकालने के लिए तो सिंगल फॉर्मूला आपके पास यही है, एक को अदर फॉर्मूला नहीं है, ओनली फॉर्मूला यू हैव इज दिस वन, और कोई यह काम निकालने के लिए फॉर्मूला, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द वर्क डन, तो आपको तो यही है, इसी पे तो भरोसा है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला फ्रॉम वेयर यू कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट द रोटेशन ऑफ डाइपोल, हाउ मच द वर्क इज डन, कितना काम किया गया, यही फॉर्मूला एक और यही है, यह है दुनिया में, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा, हमको तो क्या बोला गया डेफिनेशन, 90 डिग्री से थीटा तक ले जाने में जो काम हुआ, तो काम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला, तो हम यहां पे देखें कैसे लिखते हैं, W बराबर, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, PE cos, अच्छा थीटा वन के जगह आप क्या लिखेगा, थीटा वन के जगह, थीटा वन तो यहां पे 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे ये फॉर्मूला में, थीटा वन के जगह क्या लिखेगा, cos 90 डिग्री, है ना, cos 90 डिग्री। आप बताइए जो आप काम किए हैं, ये काम कैसा है, ये जो वर्क निकाल रहे कैसा वर्क है, 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में, ये जो काम है वो कैसा काम है, 90 डिग्री से थीटा तक ले जाने में, ठीक है ना।
तो इसी काम को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसी काम को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सर। अरे कैसा काम, 90 डिग्री से थीटा कोण तक ले जाने में जो काम हुआ, इसी काम को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा वर्क डन सर, फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल, उसमें जो हम काम किए उसी काम को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो देखिएगा यहां पे इसी काम को W को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी को U द्वारा डिनोट किया जाता है, काची द्वारा, U द्वारा। पोटेंशियल एनर्जी को किससे, U द्वारा। तो ये W लिखा हुआ था ना, W। तो इसी वर्क डन को, इसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को U लिख दिए, तो U बराबर PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2। अब थीटा 2 के जगह क्या लिखेगा, थीटा 2 के जगह क्या लिखेगा, थीटा, ठीक है ना। यहां से अब काम बन गया आपका, अब यहां से आपका काम बन गया, फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसको मिटाते हैं, ये जरूरत है इसीलिए लिखे हुए थे। अब यहां पे U बराबर PE cos 90 का मान 0 माइनस cos थीटा। यहां से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया U बराबर PE, इसका तो कहानी खत्म, इसको इसका कोई वैल्यू है, अरे जीरो गॉन, खत्म नहीं है ये। तो जब माइनस कॉस थीटा को इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू कॉस थीटा, माइनस पी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप क्या बोलिएगा, सर 90 डिग्री से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल तक ले जाने में किया गया काम, उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो यू इसी को कहते हैं। बहुत बच्चा बोला सर माइनस आ गया, हम बोले आएगा नहीं, माइनस आएगा नहीं, काम उल्टा कीजिएगा, आईबे नहीं करेगा, माने ये बेचारा अपना घूमना चाहता है इधर, आप जबरदस्ती अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, मन है इसका इधर घूमने के लिए, आप मार पीट के इधर घुमा रहे हैं, मन है इसका इधर घूमने के लिए, आप मार पीट के इधर ले जा रहे हैं, तो काम आप फेवर में कर रहे हैं, पूरा खिसियाया हुआ है अंदर अंदर ही, पूरा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पे गुस्सा है, वो बोल नहीं सकता ना, तो बड़ी मार मारता ही, काहे इसका मन है मेला घूमने के लिए इधर, आप उसको ले जा रहे बोल रहे चलो पढ़े, आप वर्क फेवर में कर रहे हैं कि वर्क अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो आपका वर्क निगेटिव में हुआ है जी, अगेंस्ट में ना काम किए हैं, इसका मन इधर है आप इधर ले जा रहे हैं जबरदस्ती पकड़ के, तो खिसियाएगा नहीं, दैट इज वाई यहां पे निगेटिव आया। निगेटिव मतलब आपका जो वर्क हुआ है वो बहुत खराब हुआ, काम किए हैं, उदास कर दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को, उसका मन कहीं और था जाने का, आप उल्टा ले जा रहे, दैट इज वाई निगेटिव साइन, दैट इज वाई निगेटिव साइन यहां पे आ गया है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। और अब यहां से इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिख दे वेक्टर फॉर्म में। एगो मेरा मंत्र था ना 11 में बहुत फेमस हुआ था, पूरा बच्चा बच्चा जानने लगा था, जो पुराना बच्चा भी अभी भी 5 साल मतलब एकदम उसका शादियों हो गया तब वो मंत्र याद किए हुए ना, इनके सर का ही मंत्र है अभी याद किए हुए है। कैसा मंत्र, कि सर क्रॉस हटता है ना तो साइन थीटा लगता है, याद है यार, डॉट हटता है ना सर
तो कॉस थीटा आता है, मतलब वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर साइन थीटा हटा तो क्रॉस लगेगा, कॉस थीटा हटा तो डॉट लगेगा। अच्छा एक बार साइन थीटा हटा चुके हैं ना, टॉर्क वाला में हटा के क्रॉस लगा दिए थे, जो फॉर्मूला आया था पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा वाला ई तो कर दिए हैं, तो चलिए कॉस थीटा हटा देते हैं वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो u बराबर माइनस पी, कॉस थीटा हटाइए तो डॉट आ जाएगा सर। अब ये ना बोले मंत्र है, कॉस थीटा हटा तो डॉट, अब बीच में कॉस थीटा हटा तो इन दोनों के बीच में डॉट कर गया तो पी डॉट ई। अब जो जो वेक्टर है उसको वेक्टर लिख दिए, ई देखिए वेक्टर है तो वेक्टर लिख दिए। अरे डाइपोल मोमेंट हम क्या पढ़ाए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, बताया था ना ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन होता है, प्लस चार्ज से निकलता है माइनस में जाता है, तो इसका भी डायरेक्शन है। तो ये आपका आ गया इन वेक्टर फॉर्म, हम लिख दिए इन वेक्टर फॉर्म। इसका उतना यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं गलती से ई दे दिया तो आपको ये टिक मारना पड़ेगा, ये कौन सा फॉर्म है स्केलर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, तीर मार दिए ना पूरा खुश हो जाइएगा, कहीं भी तीर मार दिए पूरा खुश, का है वेक्टर फॉर्म है सर, है ना, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो ये किसका फॉर्मूला सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब तीन गो बात करेंगे इस पे, इसको मिटाते हैं, उतार लिया सब बच्चा, फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा, ये साइड में लिख देते हैं। तीन बात करेंगे कि ये एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, तो वही एक कल लड़का पूछा था, तुरंत फोटो खींचा मेरे चैट कम्युनिटी में अपलोड मार दिया, सर बताइए, लड़कों सब ऐसा ऐसा है ना, मतलब बना रहा है क्वेश्चन, कौओं का क्वेश्चन उठाया ना उमार दिया हमको, अब उसको पता नहीं है कि कभी हम पोटेंशियल एनर्जी का बातें नहीं किया अब तक क्लास में, आज कर रहे हैं, तो उसको तो पहले समझ जाना चाहिए कि ना ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो सर कभी अपने मुंह से बोलवे नहीं किए, तो पढ़ाईबे नहीं किए, तो हम कैसे पूछ दे सर, लेकिन चलिए पूछ रहा है कोनो बात नहीं, अब बनेगा। तो कल पूछा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी, लड़का हमसे क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिएगा, आप भी देख लीजिए चैट कम्युनिटी में वो क्वेश्चन है, डिलीट नहीं ना किया जी, बड़ी मार मारेंगे डिलीट करेंगे, तो जो पूछ दिया सो पूछ दिया। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पूछा था ना कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा किस एंगल पे, एट व्हाट एंगल, किस थीटा पे u का मान मैक्सिमम हो जाएगा, किस थीटा पे u का मान मैक्सिमम हो जाएगा। पूछा था क्या कि किस थीटा पे What should be the angle of theta so that u is maximum? अब ये हम बात करेंगे किस थीटा पे मैक्सिमम होगा, किस थीटा पे मिनिमम होगा, सब बात करेंगे, तो तीन पॉइंट बात करेंगे। चलिए पहला बात करेंगे, तो सबसे पहले समझिए मैक्सिमम मिनिमम क्या है। देखिए तीन गो चीज है, आपसे पूछे माइनस एक जीरो प्लस एक, तो जो निगेटिव होता है, निगेटिव तो हमेशा मिनिमम चीज होता है, माइनस मतलब मिनिमम, जीरो जो होता है वो तो चलिए इन दोनों के बीच में आता है, लेकिन जब प्लस आ जाए तो प्लस वाला मैक्सिमम होता है, मतलब अगर आपको दिया जाए निगेटिव आता है तो ये क्या है मिनिमम, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये क्या है मैक्सिमम। तो दिमाग में बैठा लीजिए, निगेटिव आ जाए तो मिनिमम, कोई चीज निगेटिव है तो मिनिमम है, और जब पॉजिटिव है तो मैक्सिमम है। तो चलिए अब बात करेंगे यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव मतलब मिनिमम, तो मान लेते हैं
एट या वेन कह लेते हैं, वेन थीटा इज इक्वल टू पहले जीरो डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है, वेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो यहां पे जीरो रखिए तो यू बराबर माइनस पी ई कॉस जीरो डिग्री है ना, कॉस थीटा के जगह जीरो डिग्री, तो यू बराबर माइनस पी कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो वन तो लिखेंगे नहीं, वन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या वैल्यू है, तो यू बराबर कितना आया माइनस पी, तो आप बताइए थीटा का मान जीरो है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का मान आ रहा है वो कैसे आ रहा है, माइनस आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, जब थीटा का मान, जब थीटा का मान जीरो है, व्हेन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो यू का मान माइनस आया है, माइनस आया है तो आप इसको मैक्सिमम बोलिएगा कि मिनिमम बोलिएगा, माइनस आया है तो, माइनस आया तो मैक्सिमम कि मिनिमम, अरे माइनस मिनिमम सर, तो यू हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सबसे कम होगा, तो आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा तो बताइए थीटा कितना, किस थीटा के लिए, जीरो डिग्री के लिए, डी जीरो डिग्री के लिए, जीरो डिग्री के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बोलिए क्या होगा, मिनिमम होगा सर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मिनिमम फॉर एंगल थीटा बराबर जीरो, तो यहां पे क्या कहेंगे, जब थीटा आपका जीरो हो जाएगा तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम मतलब एकदम एनर्जी मिनिमम है, मेरे अंदर एनर्जी है ये नहीं, एकदम मिनिमम है, है ये नहीं है, अब एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, या किसी लड़का के अंदर एनर्जी नहीं है, एकदम खाना नहीं खाया तो एनर्जी नहीं है, तो घूमेगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, बोलना है कि लड़ाई करने चलना है वो जाएगा कभी नहीं जाएगा, एनर्जी है या नहीं, एकदम ऐसे शांति से बैठा हुआ है पांच दिन से नहीं हिल रहा है वो, वाई बिकॉज एनर्जी नहीं है उसके पास, बहुत कम है, मतलब ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे हिल नहीं रहा है, मतलब नहीं हिल रहा है, मतलब स्टेबल कहेंगे उसको, जब कोई चीज नहीं हिलता है तो स्टेबल है, स्टेबल है, नहीं हिल रहा है, स्टेबल है, तो एनर्जी जब कम होता है ना, सबसे कम होता है ना, तो इस कंडीशन को स्टेबल कहा जाता है, व्हेन जब थीटा इज इक्वल टू जीरो लीजिएगा तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए तीन चीज है, जब थीटा जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बोलिए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और इसी चीज को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो किसी न्यूमेरिकल में अगर बोल दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बोल दिया कि जो डाइपोल है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको समझ जाना है कि बात क्या कर रहा है, थीटा कितना डिग्री होगा उसका, जीरो डिग्री है, ठीक है, थीटा जीरो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल मतलब एकदम शांति से ऐसे बैठा है ना, स्टेबल है, चलिए दूसरा के लिए मजा नहीं है, दूसरा के लिए नॉर्मल सिचुएशन है, चलिए अब बात करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री यहां पे रखिएगा तो रख के देखें, यू बराबर माइनस पी ई
कॉस 90 डिग्री कितना हो जाए जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय पी, जीरो मल्टीप्लाई बाय पी, पी इंटू जीरो जीरो, आदमी गुना जीरो जीरो हो जाए। अरे वेन एवर जीरो इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, वे जीरो इज मल्टीप्लाई टू एनी नंबर द रिजल्ट विल बी जीरो, है ना। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी जीरो, बात खत्म। तो फिर cos 90 जीरो, जीरो से इसको गुना कीजिए तो जीरो, तब उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा जी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा, तो बोलिए कितना एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इसको कुछ नहीं कहा जाता, इसको कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है। अगला तीसरा दूर हो गया, अब इधर तीसरा हम कर देते, लास्ट है तीसरा। आप बताइए इसको एनर्जी को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए इस माइनस का मान हटाना पड़ेगा। अगर यू का मान प्लस में आ जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा, यू का मान प्लस में आ जाए, माइनस नहीं, माइनस यहां पे आ चुका है तो मिनिमम हो गया, हमको प्लस चाहिए। तो आप बताइए थीटा का मान ऐसा क्या रख दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, ऐसा कुछ रखिए ना कॉस थीटा का मान कि माइनस वन आ जाए, और जब माइनस वन इसका आएगा तो माइनस इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो बताइए तो थीटा का मान क्या रखते, 180 ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, वेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो देखिएगा यू बराबर माइनस पी कॉस 180 डिग्री, है ना। यहां से यू बराबर माइनस पी कॉस 180 कितना होता है, माइनस वन होता है, तो बच्चा जानता है। अब ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस, लीजिए आ गया प्लस में, एनर्जी आ गया किस में, प्लस में आ गया। तो आप बोलिए इसको मैक्सिमम कहिएगा एनर्जी की मिनिमम कहिएगा, पॉजिटिव आया है पॉजिटिव, तो बताइए मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्स, यू मैक्स आपका कितना होगा पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा पूरा, बहुत एनर्जी मेरे अंदर आ गया, बहुत एनर्जी आ गया, फुल एनर्जी है, तो हम एकदम खलबला जाएंगे, मतलब एकदम भागेंगे इधर उधर, पूरा एनर्जी है मेरे पास, हटो एकदम साइड, पूरा दौड़ रहा है इन्होंने, पूरा अनस्टेबल हो गया है, अनस्टेबल। जब एनर्जी नहीं था, मिनिमम था, तो एकदम शांति में बैठा हुआ था, स्टेबल कहेंगे उसको। और जब फुल एनर्जी आ गया मैक्सिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो पूरा अलबला आ गया, इधर उधर भाग रहा है एकदम, इधर उधर भाग रहा है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लीजिएगा, मैक्सिमम उसको कहेंगे अनस्टेबल हो गया, इधर उधर भागना मतलब अनस्टेबल, तो हम इस चीज को कहेंगे अनस्टेबल, इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब एक लड़का क्वेश्चन कर लेगा खुद से, जो हमको चैट कम्युनिटी में पूछा गया, ठीक है ना। तो दिमाग में याद रखिएगा, जब थीटा जीरो हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आता है जो कि माइनस पी, तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम के केस को क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपसे पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम तो थीटा का मान क्या बोलेगा, जीरो। अगर आपसे पूछता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो थीटा का मान क्या बोलेगा, 180 डिग्री। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी पोजीशन, बात खत्म। क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा होता है सर, बात खत्म। उसके बाद तीन को कहानी, कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, सर थीटा बराबर जीरो डिग्री, उसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बात खत्म।
कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस पॉजिटिव। उसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल कहते हैं। इतना स्पीड में बोलिए, क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एनी एंगल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी पोजीशन। बैक खत्म, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला माइनस बी कॉस थीटा सर। पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है? मैक्सिमम होता है तो उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं। मिनिमम होता है तो क्या कहते हैं? सॉरी, स्टेबल कहते हैं। मिनिमम कब होता है? थीटा बराबर जीरो पे। मैक्सिमम कब होता है? थीटा बराबर 180 पे। ई वाला नहीं, ई वाला तो नॉर्मल है, करवा दिए। ई मेन दोनों होता है। याद हुआ फुल पोटेंशियल एनर्जी? याद हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आने वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको उतार लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। होप यू आर डूइंग वेल। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।